तो भाई गोल्डबर्ग का स्ट्रेंथ लेवल कितना ज्यादा मुझे किसी को बताने की भी जरूरत है ही नहीं। कई बार वो ऐसे ऐसी चीजें करते थे जिससे देखिए हमारी आंखें फट जाती है, हम सोचते हैं यार एक नॉर्मल बंदा ये कर कैसे सकता है। तो आज मैं आपको तीन गोल्डबर्ग की फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ दिखाऊंगा जिसे देखे भाई आप यहाँ पे शॉक होने वाले हो। और ऑब्वियसली यहाँ पे मैं कोई कॉमन बातें नहीं करूंगा जो हमें ऑलरेडी पता है, जैसे कि हमें पता है कि गोल्डबर्ग ने द जाइंट यानी कि बिग शो को एक बार बहुत ही खतरनाक तरीके से जैक हैमर दे देता, वो हमने कई बार देख रखे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ नई चीज बताऊंगा। तीसरे नंबर पर आते हैं गोल्डबर्ग ब्रेकिंग द कोल्ड स्टील। ये बेसिकली एक हेलिना सेल की बात है, एक हेलिना सेल मैच हो रहा है जहाँ पे गोल्डबर्ग को हैंडकफ की मदद से यहाँ पे बांध दिया जाता है रोप के साथ, ये सोच के कि गोल्डबर्ग बाहर नहीं आ पाएगा इस वाले हैंडकफ से, लेकिन गोल्डबर्ग की स्ट्रेंथ लेवल इतनी ज्यादा है उन्होंने एक ही झटके में जो पूरा हैंडकफ था उसको तोड़ दिया। ऑब्वियसली WWE की तरफ से वो जो हैंडकफ था उसको थोड़ा सा कस्टमाइज किया गया था ताकि वो एक झटके में टूट जाए, लेकिन स्टिल कोल्ड स्टील को तोड़ना कोई बच्चे की बात नहीं है भाई। अगली चीज पर हम चलेंगे और दूसरे नंबर पर आता है गोल्डबर्ग जैक हैमरिंग द रीस। रीस बेसिकली 400+ pounds के एक सुपरस्टार थे WCW में जो कि बहुत ज्यादा ह्यूज थे, आप देख सकते हो उनकी फोटो। और ऑब्वियसली उनका एक जब मैच होता गोल्डबर्ग के अगेंस्ट, तो गोल्डबर्ग ने उनको इतनी आसानी से 400+ pounds के बंदे को इतनी आसानी से जैक हैमर दे दिया जिसको देखकर सबकी आंखें फट गई। और ऑब्वियसली वो चीज हमें दिखाती है कि भाई गोल्डबर्ग में कितनी ज्यादा पावर है। पहले नंबर पर आता है गोल्डबर्ग जैक हैमरिंग रोड ब्लॉक। पहले तो आप रोड ब्लॉक की शक्ल देखो, आप इनकी बॉडी देखो कितने ज्यादा ह्यूज है भाई। और 400+ pounds के रोड ब्लॉक का जब मैच हुआ गोल्डबर्ग के अगेंस्ट, गोल्डबर्ग ने इतनी आसानी से उन्हें जैक हैमर दे दिया कि भाई सारे शॉक हो गए कि ये बंदे ने कर कैसे दिया। और ऑब्वियसली भाई ये चीज भी दिखाते हैं कि गोल्डबर्ग में कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो ये कुछ मैंने आपको तीन मोमेंट्स बताए, और भी बहुत सारे पार्ट्स आने वाले इसी वाली सीरीज के जहां पे मैं सुपरस्टार की फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ की बात करूंगा। तो और गोल्डबर्ग का भी मैं सेकंड पार्ट जरूर लाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करना। मिलेंगे भाई लोग नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।